अभी तक मेरी लाइफ का सबसे पावरफुल एप्पल डिवाइस ये है भाई, एप्पल की तरफ से आने वाला मैक स्टूडियो। हमने अपने चैनल पे काफी सारे गेमिंग पीसीज, हाई एंड गेमिंग पीसीज जो है टेस्टिंग करी है, उनकी यूज भी करे है एडिटिंग के लिए, गेमिंग के लिए, साथ साथ में गेमिंग लैपटॉप भी यूज करे है। इसके अलावा एप्पल के ही खुद के आने वाले मैकबुक हमने ट्राई करे है गेमिंग के लिए भी और एडिटिंग के लिए भी। ये जो डिवाइस है ना भाई, बहुत तगड़ा पावरफुल डिवाइस है और स्पेशली इस प्राइस रेंज में। प्राइस की बात करें तो 189,900 इसका एमआरपी है, आपको ऑफलाइन मार्केट में ये बहुत कम ही मिलता है क्योंकि भाई स्टॉक ही नहीं है इसका कहीं पर भी, तो डिस्काउंट की तो ज्यादा उम्मीद ही मत रखना। बॉक्स की बात करें तो ऊपर आपको यहाँ पे मैक स्टूडियो लिखा मिल जाएगा, एक हैंडल दे रखा है यहाँ पे पकड़ने के लिए। एप्पल की भाई यही अच्छी चीज लगती है, पैकेजिंग के मामले में एकदम मस्त है। इधर की साइड में डिवाइस का फ्रंट साइड छपा हुआ है जिसमें आपको साफ साफ दिख जाएगा मेमोरी कार्ड लगाने का स्लॉट है और दो यूएसबी टाइप सी के भी स्लॉट्स है। इधर की साइड में बड़ा सा एप्पल का लोगो है। बैक साइड में डिवाइस का दूसरा साइड का पूरा चित्र दे रखा है जिसमें बाकी सारे पोर्ट्स है जो हम अंदर अनबॉक्सिंग करके दिखाएंगे आपको अच्छे से। इसके अलावा इधर की साइड में आपको इसकी स्पेसिफिकेशन मिल जाएगी, जैसे कि आप देख सकते हो 32 GB की रैम है इसके अंदर और 512 GB की SSD। 512 GB आई नो थोड़ा कम पड़ जाता है, बट भाई 32 GB की रैम हमारी एडिटिंग के लिए काफी रहेगी। और नीचे आप देख सकते हो मैक स्टूडियो विद एप्पल M1 मैक्स चिप। इसमें भाई M1 चिप तो है बट वो भी मैक्स वाली तगड़ी लेवल की, जिसमें आपको 10 कोर CPU एंड 24 कोर GPU मिलते हैं। अब प्रोडक्टिविटी के मामले में कैसा है, गेमिंग के मामले में कैसा है, वो सब तो हम टेस्टिंग करेंगे इसी वीडियो में आगे, बट आपको मैं बता दूं ये जो है ना भाई बेस वेरिएंट है इसका, इसी में आप और भी कॉन्फिगर कर करके इसको 8 लाख रुपए तक का भी बनवा सकते हो। ये हमें ऑलमोस्ट 2 लाख के आसपास का पड़ा है, तो बेस वेरिएंट है बिल्कुल। अब फटाफट से इसकी अनबॉक्सिंग कर लेते हैं। पैकेजिंग के लिए सिंपल सा है, यहाँ से इसको पकड़ो और यूं खींच दो, खुल गया जी। लगभग सभी एप्पल डिवाइसेस की अनबॉक्सिंग कुछ इसी तरह से होती है। सबसे ऊपर देखोगे भाई यहाँ पर आपको मिल जाती है कुछ पुस्तकें और साथ ही साथ इसमें एक बड़ा सा एप्पल का लोगो भी मिलता है, तो आप अपने माथे में टेबल पे कहीं भी चिपका सकते हो। उसके बाद आपको मेन डिवाइस मिल जाएगा जिसको खोलने के लिए यहाँ पे देखो एरोज भी लिखे है, इस तरह से आपने करना है और अपने डिवाइस को जो है निकाल लेना है। इतना भारी नहीं है भाई जितना मैंने सोचा था, सुना तो है बहुत भारी है बट इतना फील हो नहीं रहा है। उसी के नीचे भाई इसकी पावर केबल मिल जाएगी। बस भैया बस इतनी चीज है, एप्पल वालों ने पैकेजिंग में ज्यादा खर्चा कर दिया तो अंदर कुछ सामान दिया नहीं, इसलिए सबसे पहले तो भाई केबल ही खोल लेते हैं। भाई सब अच्छी क्वालिटी की केबल है, इतनी मोटी सी। और एक चीज नोटिस करोगे यहाँ पर इंडियन प्लग मिलता है आपको, बाहर वाला नहीं है। अब आता है हमारा मेन मैक स्टूडियो, यहाँ से पकड़ के अपना इसको आप खोल सकते हो या अनरैप कर सकते हो। ओ भाई साहब कितना सही फील हो रहा है, देखना मस्त सा ऊपर बड़ा सा एप्पल लोगो दे रखा है। इधर की साइड में आपको मैंने स्लॉट्स दिखाई दिए थे डब्बे पे छपे हुए थे। पीछे की साइड में थंडरबोल्ट 4 के आपको 4 टाइप C पोर्ट मिल जाएंगे, ये लैन केबल लगाने का पोर्ट मिल गया, साथ में पावर केबल का पोर्ट है, 2 आपको USB स्लॉट्स मिल जाएंगे, एक HDMI का, एक ऑक्स का और ये मिल गया आपको इसका पावर बटन। नीचे रखने के लिए भैया कुछ सेफ्टी चाहिए, पहले इसको बिछाते हैं और फिर इसके ऊपर रखते हैं, अभी नया नया है ना थोड़ा तो ज़्यादा प्यार आता है। नीचे की साइड में आपको एयर इनटेक का वो मिल जाएगा और साथ ही साथ में ये स्पीकर्स भी है। जहाँ तक मैंने रिव्यूज़ देखे हैं इतना अच्छा स्पीकर नहीं है, बाकी हम आपको वीडियो में टेस्ट करके दिखाई देंगे। और मैक स्टूडियो भाई एनग्रेव कर रखा है इसमें, ये कितना मस्त लग रहा है। तो ये तो भाई हो गई एक सिंपल सी अनबॉक्सिंग, अब फटाफट से ना हम इसको 2-3 दिन के लिए टेस्ट करेंगे अच्छे से, सब चीज़ें करके दिखाएंगे और आपको भी इसी वीडियो में डिटेल में बताएंगे एडिटिंग के मामले में कैसा है, गेमिंग के मामले में कैसा है। तो फटाफट से भैया शुरू करते हैं इसका रिव्यू। 1 week later ऑलमोस्ट पिछले 7 दिन से हम इसकी टेस्टिंग कर रहे हैं और जो गेमिंग पीसी के साथ कंपैरिजन किया ना भाई, रिजल्ट्स जो है वो कुछ नेक्स्ट लेवल ही आए हैं। लेकिन इसी के साथ साथ मैं यूज कर रहा हूँ भाई वाउ स्किन साइंस का एलोवेरा जेल, जो कि के भाई 99% प्योर एलोवेरा से बना है, जिसको हाइजीनिकली एक्सट्रैक्ट करके पैक किया गया है। इसके नेचुरल हीलिंग एंड रिजुविनेटिंग बेनिफिट्स को रिटेन किया गया है। साथ ही साथ ये एक मल्टीपर्पज ब्यूटी केयर प्रोडक्ट है जो बना है स्किन एंड हेयर एंड स्कैल्प केयर के लिए। बेस्ट चीज ये है इस एलोवेरा जेल में कोई भी कलर या फिर आर्टिफिशियल फ्रेग्रेंस नहीं है। इस एलोवेरा जेल के की इंग्रेडिएंट्स की बात करें तो इसमें है एलोवेरा जूस जो आपकी स्किन को हाइड्रेशन प्रोवाइड करता है, मिनिमाइज करता है ड्राइनेस को एंड रिड्यूस करता है इन्फ्लेमेशन को, ऑल्सो इट बूस्ट कोलेजन प्रोडक्शन। सेकंड है भाई जेंथम गम जो कि के नेचुरल प्लांट बेस्ड थिकनर है। इसमें है पॉलीसेसेराइड जो हेल्प करता है स्किन में मॉइस्चर को बूस्ट करने में। लास्ट है भाई सिट्रिक एसिड जो हेल्प करता है पिगमेंटेशन को लाइटन में एंड ऑल्सो हेल्प इन रिमूविंग टैन। इस एलोवेरा जेल को ना आप बहुत सारे तरीकों से यूज कर सकते हो। सबसे पहले तो आप इसको जैसे कि नेचुरल स्क्रब की तरह भी यूज कर सकते हो। 1 टेबल स्पून जेल को 1 टेबल स्पून शुगर के साथ मिक्स करना है एंड देन उसको आप अपने फेस पे स्क्रब या बॉडी स्क्रब की तरह यूज कर सकते हो। ये एक नेचुरल स्क्रब का काम करेगा। सेकंड आप इसको एज अ मॉइस्चराइजर की तरह भी यूज कर सकते हो। इस जेल को थोड़ा सा हाथ में ले लो एंड सिंपली अप्लाई ऑन योर फेस, ये आपके फेस को हाइड्रेटेड एंड मॉइस्चराइज रखेगा। थर्ड आप इसको हेयर एंड स्कैल्प नरिशमेंट के लिए भी यूज कर सकते हो, लाइक इसको आपको नॉर्मली अपने स्कैल्प पर लगाकर थोड़ा मसाज करना है एंड ओवरनाइट के लिए छोड़ सकते हो एंड मॉर्निंग में माइल्ड शैम्पू से वॉश कर लो, ये आपके हेयर एंड स्कैल्प को अच्छे से नरिशमेंट प्रोवाइड करेगा।
इसको आप आफ्टर शेव जेल की तरह भी यूज कर सकते हो, लाइक शेव के बाद बस आपको इसको अपनी क्लीन स्किन पे अप्लाई करना है। इसमें ना भाई एंटी एजिंग प्रॉपर्टी भी है, तो इसको आप अपने फेस, नेक एंड हैंड पर अप्लाई करके छोड़ सकते हो ओवरनाइट के लिए टू सी गुड रिजल्ट। आप इसको ना और भी तरीकों के लिए यूज कर सकते हो, लाइक सनबर्न में, जिसमें ये हेल्प करेगा अफेक्टेड एरिया को इंस्टेंटली सूथ एंड काम करने में। बाकी आपको पता ही है वाउ स्किन साइंस के किसी भी प्रोडक्ट में हार्श केमिकल नहीं होते, जैसे कि सल्फेट, सिलिकॉन, पैराबेन। आप भी ये 99% प्योर एलोवेरा जेल ले सकते हो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से। कल से स्क्रीन पे कूपन कोड आ रहा होगा अनमोल जैसवाल 20, ये अगर आप वाउ की वेबसाइट पे यूज करोगे ना, जो कि है buywow.in, तो आपको 20% का डिस्काउंट मिलेगा। तो भाई बी वाउ नेचुरली। अब बात कर लेते हैं भाई फाइनली हमारे मैक स्टूडियो की। सबसे पहले तो मेनली हमने ये गेमिंग के लिए लिया ऑब्वियसली, तो इसमें हमने सारे सॉफ्टवेयर डाल लिए, जैसे कि अपना प्रीमियर प्रो यूज होता है, फाइनल कट प्रो यूज होता है, और फोटोशॉप यूज करते हैं हम फोटो एडिटिंग के लिए। तो सबसे पहले हमने टेस्टिंग करी प्रीमियर प्रो की। तो ये मेरा गेमिंग पीसी है जो मैंने 2 लाख रुपए का बनवाया था, और ये मैक स्टूडियो भी 1,90,000 का है, तो ऑलमोस्ट प्राइस डिफरेंस ज्यादा नहीं है इन दोनों में। हमने सबसे पहले दोनों ही डिवाइसेज में सेम प्रोजेक्ट को रेंडर मारा, एंड भाई टाइम सुन के ना आप सरप्राइज हो जाओगे, जो हमारा मैक स्टूडियो है ना उसने सिर्फ 5 मिनट में फाइल को रेंडर कर दिया, जबकि जो प्रीमियर प्रो हमारा पीसी में है ना उसने लिए भाई 15 मिनट, यानी 3 गुना ज्यादा टाइम, जबकि 10,000 रुपए महंगा है हमारे मैक स्टूडियो से। वो सेकंड कंपैरिजन किया भाई हमने फाइनल कट प्रो एंड एडोबी प्रीमियर प्रो के बीच में। अब क्योंकि फाइनल कट प्रो हमारे गेमिंग पीसी में नहीं चलेगा, तो इसलिए हमने दोनों ही सॉफ्टवेयर को मैक स्टूडियो में डाला, एंड डिफरेंस भाई बिल्कुल भी नहीं था, दोनों सॉफ्टवेयर ने बिल्कुल सेम काम किया, सेम टाइम पे रेंडर करी वीडियो। जैसे काफी लोग कहते हैं कि प्रीमियर प्रो बना नहीं है मैक के लिए, बट ऐसा नहीं है भाई, अब दोनों ही स्टेबल है और दोनों पे ही सेम टाइमिंग मिलेगी अगर आप मैक स्टूडियो में चाहे फाइनल कट यूज कर लो चाहे आप प्रीमियर प्रो यूज कर लो। उसके बाद हमने फोटोशॉप की टेस्टिंग करी, तो ओपनिंग टाइम जो था फोटोशॉप में वो ऑलमोस्ट सेम था दोनों ही डिवाइसेस में, और एडिटिंग में भी ऐसा कुछ डिफरेंस मिला नहीं, मतलब लैग वैग कहीं पे कुछ नहीं हो रहा था, स्मूथ एक्सपीरियंस था पूरा। इसके बाद हमने टेस्ट करी मल्टीटास्किंग। अब क्योंकि मेरे पीसी में भाई एएमडी का प्रोसेसर लगा हुआ है, तो ऑब्वियसली मल्टीटास्किंग के मामले में वो अच्छा ही है, तो इसलिए क्रोम में हमने काफी सारे टैब्स खोल लिए अलग अलग वेबसाइट्स के, बिल्कुल भी दोनों पीसी या फिर मैक स्टूडियो हमारा लैग नहीं किया। वैसे भी कहा जाता है जितने भी एप्पल डिवाइसेज होते हैं, वो फोन हो, लैपटॉप हो या फिर पीसीज हो, जैसे मैक स्टूडियो हमारा, वो भाई लैग करते ही नहीं है, आप जितना मर्जी चलाते रहो, लेकिन कहीं ना कहीं विंडोज पीसी लैग करना शुरू कर देते हैं, बट इस केस में हमारे गेमिंग पीसी ने भी भाई पूरा साथ दिया, जरा सा भी लैग नहीं हुआ। अगला सेगमेंट है साउंड का। अब 2 लाख के पीसी में भाई इनबिल्ट स्पीकर हमें नहीं मिलते, लेकिन मैक स्टूडियो में आपको इनबिल्ट स्पीकर मिलता है, हालांकि उसकी ना आवाज तो क्लियर है बट इतनी लाउड नहीं है, मतलब बहुत स्लो वॉल्यूम रहती है उसमें, तो आप इतना यूज कर नहीं पाओगे एक्सटर्नल स्पीकर या फिर हेडफोन यूज करने ही पड़ेंगे, बट ये है कि पीसी में नहीं मिलता, इसमें मिल रहा है वही बहुत है। अब बात आती है भाई गेमिंग की, जो आपने टाइटल थंबनेल में देखा, मैकबुक वाली वीडियो में भी मैंने आपको बताया था एप्पल डिवाइसेज जो है वो भाई प्रॉपर गेमिंग के लिए नहीं बने हुए हैं, मतलब गेम्स जो है वो इनके लिए प्रॉपर ऑप्टिमाइज नहीं है, या कुछ गेम्स तो लॉन्च भी नहीं हुई है, हालांकि लोग जुगाड़ लगा लोगों के भी चला देते गेम में, बट उतनी अच्छी परफॉर्मेंस नहीं मिलेगी। 2 लाख वाले गेमिंग पीसी में हमने सारे गेम्स टाइटल चला सकते हैं, वो भी मीडियम से हाई सेटिंग्स में, और अच्छे खासे भाई 80-90 FPS दे देगा ये पीसी हमें, जबकि जो हमारा मैक स्टूडियो उसमें हम बड़ी गेम्स GTA 5 जैसी नहीं चला पाएंगे, और चला भी पाएंगे जुगाड़ करके तो इतनी स्मूथ नहीं चलेगी जितना इस गेमिंग पीसी में चलती है। लेकिन अगर हाँ आपको स्टोर वाली जो गेम्स है वो खेलने, जैसे एसफॉल्ट हो गई, तो ये दोनों ही डिवाइसेज में बिल्कुल स्मूथ थी, मैक स्टूडियो में भी आप एंजॉय कर सकते हो और पीसी में तो ऑब्वियसली चली जाएगी। अच्छा, जो लोग एडिटिंग में कलर ग्रेडिंग वगैरह करते हैं ना, उनको एक चीज नोटिस होगी, जैसे हमने टेस्ट किया जो हमारे दोनों ही डिवाइसेज है ना उसमें सेम मॉनिटर है, सेम कॉन्फ़िगरेशन वाले, बट जो कलर एक्यूरेसी हमारा पीसी उस मॉनिटर में दिखा पा रहा है ना, उतना ही एक्यूरेटली हमारा मैक स्टूडियो अपना मॉनिटर में नहीं दिखा पा रहा है। इसका रीजन ये है कि जो नॉर्मल मॉनिटर्स है वो इतने ऑप्टिमाइज नहीं है, या मैक स्टूडियो जो है वो ऑप्टिमाइज नहीं है नॉर्मल मॉनिटर्स के लिए। तो अगर आपको कलर एक्यूरेसी चाहिए तो एप्पल का अपना मॉनिटर खरीदो लाखों रुपए वाला, तो उसमें भी अलग से पैसे जाएंगे, जबकि हम तो 4K ये 30-35,000 का मॉनिटर यूज कर रहे हैं, वो लाखों रुपए में बात होती है एप्पल की तो सीधा। तो मोटा मोटा भाई यही था डिफरेंस मेरे हिसाब से, अगर आपको प्रॉपर काम के लिए या फिर एडिटिंग के लिए कुछ डिवाइस चाहिए ना, तो आंख बंद करके भाई 1,90,000 रुपए मैक स्टूडियो में खर्च दो, सोचो ही मत कुछ और। लेकिन अगर आपको इसके अलावा भी बहुत काम करने है, जैसे प्रॉपर गेमिंग करनी है या फिर लाइव स्ट्रीमिंग करनी है यूट्यूब पे, और साथ ही साथ एडिटिंग भी करनी है, तो आप भाई 1.5 से 2 लाख के बीच का कोई गेमिंग पीसी बिल्ड करो, वो आपके लिए ज्यादा सुटेबल रहेगा एज कम्पेयर टू मैक स्टूडियो। तो मोटा मोटा यही चीज थी जो थी, हमारे पास दोनों ही है तो हमें जब किसी चीज की जरूरत पड़ती है हम कर सकते हैं, बाकी एक डिवाइस लेना तो वो आपकी चॉइस है, अपने अकॉर्डिंग देख लेना। वीडियो कैसी लगी भाई बताना, थोड़ा सा हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं कंटेंट को लेकर, और जो वाउ स्किन साइंस का एलोवेरा जेल का लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप जाके खरीद सकते हो। बाकी लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, जल्दी ही 1 मिलियन हमारे होने वाले हैं। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन गुड बाय, एंड एज ऑलवेज तीखे रास्तों पर नहीं पड़ना फीका। बाय बाय।